सोशल मीडिया पर तेज गति से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की जा रही। वीडियो सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के पास स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के माइंस एरिया का बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर क्या है पूरी सच्चाई जानने के लिए सिरोही से हमारे संवाददाता राहुल रावल जुड़ रहे हैं। जी राहुल, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल श्वेता, ये वीडियो जो है पिंडवाड़ा के निकटवर्ती अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का है और उसमें जो उसके आसपास के क्षेत्र में जो घर है जयमाफली मालप वरली और वहाँ का है, क्योंकि वहाँ पर जो है माइन एरिया में जो ब्लास्टिंग होता है उसकी वजह से उनके घरों में दरारें और कंपन होने से उनको जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से वो महिलाएँ माइंस पर पहुंची थी और उनके साथ में वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने धक्का मुक्की कर और अभद्र व्यवहार किया। 21 तारीख को जब ये ब्लास्टिंग हुआ तो लोगों ने आक्रोश जताया और 22 तारीख को जो है SDM कार्यालय में जाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी दिया, जिसके बाद 22 तारीख को पुनः ब्लास्टिंग होने की सूचना मिली तो वहां पर जो है ये मामला हुआ है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसको चलते जयपुर से जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट होता नजर आया और उन्होंने ट्विटर हैंडल पर जो है पोस्ट करके ट्वीट किया और उन्होंने सिरोही के जो पुलिस प्रशासन ने उनको कहा कि इस मामले में जो है आप कार्रवाई करें, जिसके बाद धरातल पर जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और वही सिरोही और शिवगंज के जो पूर्व विधायक है संयम लोढ़ा, उन्होंने भी जो है अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए ये चेतावनी दी है कि इस मामले में जो है आदिवासी जनता के साथ में अगर आपने कोई दुर्व्यवहार या अभद्र व्यवहार किया तो उसको लेकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हमें भी जो है उतर कर सामने आना पड़ेगा। जिसके चलते पिंडवाड़ा का जो सर्व समाज समिति संगठन बना हुआ है उनमें भी जो है आक्रोश है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 1993-94 में जब यहाँ पर बिनानी सीमेंट फैक्ट्री आई थी तो वहाँ उनके साथ में करार हुआ था कि पिंडवाड़ा को प्रतिदिन 4 से 5 लाख लीटर पानी देने का जो है करार किया गया था, लेकिन उसके बाद इतना पानी जो है नहीं मिला, जिससे लंबे समय से जो है सर्व समाज संघर्ष कर रहा है। और वही सर्व समाज संगठन ने भी जो है SDM कार्यालय के बाहर ज्ञापन दिया और नारेबाजी की और उनका कहना है कि प्रतिदिन जो है पिंडवाड़ा को 4 से 5 लाख लीटर पानी मिलना चाहिए लेकिन इतना नहीं मिल रहा है, उसको लेकर उन्होंने भी आवाज उठाई। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री द्वारा बिना सूचना दिए ब्लास्टिंग को लेकर वहां के ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन दिया, जिसकी देवनगरी इंडिया न्यूज ने कई बार मौके पर जाकर प्राथमिकता से खबर चलाई। प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, सबको इसका इंतजार है।